डॉक्टर साहब, एक सवाल था 11वीं शरीफ के हवाले से। 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, तो इसके हवाले से जो है आप बताएं कि न्याज वगैरह करते हैं लोग अक्सर, तो ऐसा करना जायज़ है? क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए, इस बारे में ये है कि इस बारे में मैंने दोनों तरफ़ेन के दलाइल मैंने पढ़े हुए हैं, दियोबंद मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हों, अहले हदीस हजरात के। तो मुख्तसर मैं इतना बोलूँ तो ये है कि जो लोग इसको जायज़ कहते हैं, बाज़ लोग इसको हराम कहते हैं, बाज़ लोग इसको शिर्क कहते हैं। तो भाई, अहले हदीस हजरात को कितना भी आप समझाएंगे उनके समझ में नहीं आएगा। वो एक अपना जहन बना के बैठ गए हैं कि आपने बुजुर्गों के लिए जो भी नियाज करते हैं, जो सुन्नी बरेलवी करते हैं, तो ये वो शिर्क ही करते हैं असल में। तो वो एक जहन बना के बैठ गए हैं अपना, उनको तो समझाया नहीं जा सकता। बहरहाल, उनसे इतनी दरख्वास्त है कि वो इस मौजू पे ना लड़ें और ना उलझे। और जो दूसरे लोग हैं दियोबंद हजरात, उनको आधी बात तो समझ में आ जाती है कि चलो वो एक हद तक मान लेते हैं कि ये एहसाले सवाब है, बास नहीं मानते, बास मान जाते हैं, फिर भी वो आके कहते हैं कि नहीं, ये तायुन दिन का मामला है और जो है ये लोग अपना इसी दिन करते हैं, तो ऐसा मामला नहीं है। भाई, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग 11वीं शरीफ करते हैं, ना वो उर्दू की 11 को करते हैं, ना वो इंग्लिश की 11 को करते हैं, वो अपनी सहूलत के मुताबिक करते हैं। और वैसे भी मुस्तहब काम जो है उसकी जो है वो तायुन करना वक्त का, ये तो फिका के अंदर एक मसला मौजूद है और इस पर दलाइल भी है। बहरहाल, बरेलवी हजरात से इतनी गुजारिश है कि भाई आप 11वीं शरीफ कर रहे हैं, करें बिल्कुल, बरेलवी मसलक के लोग उनको करना है, वो अकीदत रखते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, वो सभी के इमाम हैं, बरेलवी, दियोबंदी, अहले हदीस के तीनों के इमाम हैं और तीनों ही इनको मानते हैं। बहरहाल, तो मैं इतनी बात इसमें ये साथ जोड़ूंगा कि आप 11वीं करें, 11वीं के साथ साथ जो है उनकी तालीमात को भी बयान करें। हुनियतु तालिबीन उनकी किताब है अपनी हाथ की लिखी हुई, और इसी तरह से फतुल गैब है, इन दोनों किताबों के बरेलवी उलमाए कराम ने तर्जुमे कर लिए हैं। बहुत से लोग कई साल से 11वीं शरीफ कर रहे हैं लेकिन उनके घरों में ना ये किताबें मौजूद हैं, ना उन्होंने कभी पढ़ी हैं। तो बहरहाल, इन किताबों को अपने घरों में पढ़ें ताकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फैज आप हासिल कर सकें। और दूसरा ये है कि जब ये 11वीं शरीफ या इस तरह के आप तकरीब करें बुजुर्गाए दीन के नाम पर, तो ये है कि उसमें थोड़ा दर्स भी रख लें इसका, उनकी तालीमात का, और ये है कि करामात बयान करते हुए थोड़ा एतदाल का रास्ता अपनाएं। ऐसी करामतें ना बयान करें कि लोग बोले यार ये तो अकल के और मतलब कि शरीयत की भी बिल्कुल खिलाफ है, बहुत ही अजीबोगरीब है, तो इनसे भी थोड़ा इज्तनाब करें। और इसके अलावा मेरी और कोई बात नहीं है इनके लिए।